लोग रेड़े में बेचते थे, आपने तो सर ये मारुति, और ये हिमाचल प्रदेश में, मैंने ये पहाड़ों में तो पहले इंसान देखा। गजब है, गजब। अभी तक ये मशीन किसी के पास नहीं है सर। ये कितने है फिर? ये 3-4 लाख रुपए की मशीन है, कपड़े की फॉर्मेट में निकलता है। पहले इंसान हो शिमला में जो ये जी, आप तो बड़ा तरसा के पिलाते। ये देखो भाई सभी चेक करो, आपने दिल और जिगरा रखकर ये महंगी मशीन मंगवा, लाल जो थी सारी सूख गई। हाँ जी दोस्तों, सोलन डिस्ट्रिक्ट शिमला हाईवे पर आए थे जनाब, और हमारे को ना बहुत ही जबरदस्त ये शुगर केन की मशीन मिली है। दुकान बहुत जबरदस्त है, बहुत उम्दा है। लोग रेड़े में बेचते थे, आपने तो सर ये मारुति की गाड़ी में आप गन्ने के जूस निकाल रहे हैं, ये कैसे? जी सर, मैंने नई मशीन ली है। नई मशीन ली है? हाँ जी। और सर इसमें तो नलका भी लगा हुआ है, ये जूस ही निकालते कि आप बेवकूफ बना रहे लोगों को? पहले ये बताओ, नलके से आता है सर? नलके से जूस आता है जी सर। कैसे रहता है, कितनी बार आप गन्ना डालते तब जूस निकलता है इसमें? ये सर सिंगल टाइम क्रशिंग मशीन है। सिंगल टाइम क्रशिंग मशीन जी सर। तो इसमें कोई भी हाथ का इस्तेमाल नहीं होता? हाइजीनिक तो हाइजीनिक रहता है। हाइजीनिक तो सर ये कैसे रहता है, चलती कैसे, स्टार्ट कैसे होती है? ये सर यहाँ पे स्विच दिया गया है इसमें जी, ये यहाँ पे। अच्छा जी। यहाँ से ऑन ऑफ होगी, यहाँ से ऑन ऑफ होगी, फॉरवर्ड दोनों। अच्छा, रिवर्स और फॉरवर्ड भी होती है? जी जी जी। इन्वर्टर बैटरी के साथ चलता है? इसमें बैटरी लगी हुई है सर, जो चार्ज होती है यहाँ से। अच्छा, बैटरी लगी यहाँ से चार्ज होती है? चार्ज भी होती है, चार्ज होती है सर। तो सर ये सोचा कैसे, थॉट कंसेप्ट आइडिया कैसे आई? गाड़ी का ये जूस वाली मशीन बना दी है, जूस वाली गाड़ी बना दी है? हाँ जी। ये सर यूट्यूब से देख के। तो कितना टाइम हो गया आपको ये जूस पिलाते हुए निकालते? मेरे को अभी सर एक महीना। तो सर लगा दो, देरी किस चीज़ की है? ये गन्ने कहाँ से लेके आते हैं, पहाड़ों से? नहीं सर, ये चंडीगढ़ से आता है गन्ना। गन्ना चंडीगढ़ से आता है जी सर। ये लो जी, ये गन्ना निकाला, देखिए सर क्या बात है। ये इसमें ज्यादा जोर तो नहीं लगाना पड़ता? नहीं सर, ये तो छोड़ देना पड़ता है। ये तो कुछ छोड़ दिया आपने? हाँ जी। ये ऑटोमेटिकली चले गया अंदर, ये अपने आप खींचता है सर, अपने आप ही पुशअप कर लेता है। रिवर्स करना हो तो? रिवर्स करना हो तो यहाँ से सर। अच्छा, ये बटन आपने रिवर्स करा और ये पीछे आ जाएगा? ये पीछे आ जाएगा। ओ भाई साहब, ये चेक कर लो यार, क्या बात है। तो एक तो ये मैन पावर बचा रहा है जी सर। पहले लोग हाथ से घिस घिस के मर जाते थे, एक गिलास गन्ने का जूस निकालने के लिए 20 मिनट लगते थे। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। अब तो ये 1 मिनट में जूस निकल जाता है। ये देखो भाई साहब, क्या नलके से प्योर फ्रेश जूस निकल रहा है सर। इसके अंदर बर्फ भी डलती है? डालते हैं सर, बर्फ डालते हैं। ये तो गन्ने धो के लेके आते हैं घर से धो के साफ करके लाते हैं सर। तो सर एक जूस का गिलास निकालने के लिए कितने गन्ने लगते हैं इसमें? इसमें 2 से 3 गन्ने लगते हैं सर। 2 से 3। और ये पीछे वेस्ट मटेरियल निकल रहा है इसका सर? ये वेस्ट है सर इसका। ये देखो जी, कपड़े की फॉर्मेट में निकलता है। पूरा जूस निकालते हैं इसमें? पूरा जूस निकाल देते हैं। एक बूंद नहीं छोड़ता सर ये मशीन जूस, ना? ओ भाई साहब, पूरा जूस निकालता है। गजब है, गजब। सर ये कितने फिर? ये 3-4 लाख रुपए की मशीन है? नहीं सर। हाँ जी, ये विद ट्रांसपोर्टेशन GST जी 60,000 के आसपास। तो कहाँ से मंगवाई थी आपने? ये भावनगर गुजरात। गुजरात से मंगाई थी जी सर। क्या बात है सर, साफ सुथरा हाइजीनिक जूस ला रहे हैं ना, बना रहे हैं सर। और इसके ऊपर क्या डाल के देते हैं जी? इसके ऊपर बर्फ, बर्फ और मसाला मसूला कुछ? मसाला भी है सर। जरा दो बना दो सर फिर तो। आप भी पीते हैं कि लोगों को पिलाते हैं? नहीं सर, सबको पिलाते हैं, खुद भी पीते हैं। क्या बात है। तो कितने जूस पिला देते हैं, निकाल देते हैं एक दिन में आप? एक दिन में कभी कभार सर 50-60 गिलास भी हो जाते हैं। अच्छा जी, कई बार। क्या प्राइस रहता है इसका? इसका सर 40 रुपीज़। 40 रुपीज़ जी एक गिलास का? जी सर। सर सस्ता रखना चाहिए था आपको यार। सर नींबू डाल दिया हमने। चंडीगढ़ से गन्ना जो आता है वो 14 रुपये किलो, 1400 रुपये क्विंटल। अच्छा जी, ये ऐसे जी सर प्रेस हो जाता है ना नींबू? प्रेस हो जाता है सर। ये देखो नींबू कैसे प्रेस हो रहा है, क्या बात है भाई साहब। तो नलका खोला नहीं आपने? ये नलका खुल गया सर। ये लो, नींबू भी निकल रहा है ना जी सर। ये तो चीज देख के ना सर बड़ा मजा आ रहा है देख कर। ये सोलन में आई थिंक आप पहले इंसान हो शिमला में जो ये जी सर नलके वाला जूस पिला रहे लोगों को, है ना, पहाड़ों में? जी सर, मैंने ये पहाड़ों में तो पहले इंसान देखे। अभी तक ये मशीन किसी के पास नहीं है? ये मशीन किसी के पास नहीं है? नहीं सर, आपने दिल और जिगरा रखकर ये महंगी मशीन मंगवा ली और लोगों को आनंदमय कर रहे हैं जी सर। ये देखो भाई साहब, चेक करो, जूस का प्रेशर है और वो वेस्ट मटेरियल सारा पीछे निकल जाता है जी सर। ये काला नमक डाल रहे हैं? ये काला नमक है सर, डाल दिया। ये लो, अब इसमें आइस डालेंगे। अच्छा, आइस भी घर से लेके आते हैं? आइस घर से लानी पड़ती है सर, यहाँ रोड में कुछ नहीं मिलता, सोलन शिमला दूर है। जी जी जी। तो फर्क होता है सर इसमें, सेम ही टेस्ट होता है? टेस्ट तो सर इसमें थोड़ा सा अच्छा होता है। अच्छा होता है जी सर, उसके मुकाबले ना। ना शोर मचाती है मशीन, है ना? सारी स्टेनलेस, धुआं निकलता है इसमें से? नहीं सर, स्टेनलेस स्टील है पूरी मशीन। स्टेनलेस स्टील है ना? स्टेनलेस स्टील। तो दे दो सर ग्लास, दे दो, मिक्स कर लेता हूँ सर। दूसरी मशीनों में ये जूस काला निकलता है सर, इसमें बिल्कुल इसमें काला नहीं निकलता। काला नहीं निकलेगा सर, इसमें प्योर देख लो शुगर केन का जूस है जी सर। आप तो पूरा तरसा रहे हैं, कब देंगे ग्लास को? थोड़ी सी बर्फ, जो मेरा मुंह के अंदर पानी आ रहा था वो भी लाल जो थी सारी सूख गई। और देखो भाई साहब भी हंस रहे बिचरे, आप तो बड़ा तरसा के पिलाते हैं जूस को। नहीं सर, थोड़ी सी। अच्छा, बर्फ को पिला रहे हैं। थैंक यू सो मच है सर। तो दोस्तों, ये कोई आम गन्ने का जूस नहीं है, पहाड़ों का मशीन मेड स्टेनलेस स्टील का
ऐसा जबरदस्त जूस है ना, जिसको पीने के लिए ना लोग दूर दूर से पीने के लिए आ रहे हैं। लेकिन वन टाइम प्रोसेस है, एक बार गन्ना अंदर जाता है और जूस सारा का सारा निकल जाता है। टेस्ट कर लेते, रिव्यू कर लेते। हाँ यार, ये तो फ्रेश ऐसा टेस्ट आ रहा है ना इसमें, जैसे गुड़ नहीं आता, ताज़ा गुड़ हम खाते हैं वो वाला टेस्ट आ रहा है। और इसमें ऐसा कुछ मिलावट ही नहीं है, हाइजेनिक तौर से बहुत अच्छा ही है। सुपर फास्ट जैसे स्पीड से जूस निकल जाता है, 60,000 की मशीन है, पर हमारे को बड़ा मजा आ रहा है यार। और ये हिमाचल प्रदेश में ये पहले इंसान है जो मशीन वाला नलके वाला जूस पिला रहे हैं लोगों को, है ना। ऐसा नवा नवा कॉन्टेंट आपको दिखाते रहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और सर ये बता दीजिए किसने पीने के लिए आना, कहाँ पर आएगा, लोकेशन एड्रेस क्या पड़ती है? डिस्ट्रिक्ट सोलन में ही पड़ता है, शालाघाट। और सर आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद है जी। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच है जी। थैंक यू सर।